दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर आमिर खान के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल के बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आमिर खान के पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दें कि आमिर खान का फुल नेम है मोहम्मद आमिर हुसैन खान, वहीं उनका निकनेम है मिस्टर परफेक्शनिस्ट। दोस्तों, आमिर खान का जन्म 14 मार्च 1965 को मुंबई में हुआ था और 2021 के अनुसार वो फिलहाल 56 वर्ष के हैं। यदि बात करें उनके राशि चक्र चिन्ह के बारे में, तो इनका राशि चक्र चिन्ह है मीन राशि। दोस्तों, वहीं बात करें आमिर खान के फिजिकल स्टैट्स के बारे में, तो आपको बता दें कि आमिर खान का हाइट है करीब 168 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 6 इंच, वहीं उनका वजन है करीब 70 किलोग्राम। यदि बात करें उनके आई कलर की, तो उनका आई कलर है ब्राउन, वहीं उनका हेयर कलर है ब्लैक। दोस्तों, आमिर खान के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, तो आपको बता दें कि आमिर खान ने अपने स्कूल की पढ़ाई जेबी पेंटेट स्कूल मुंबई से कंप्लीट की। वहीं आमिर खान ने कॉलेज की पढ़ाई नरसिंह मोदी कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुंबई से कंप्लीट की। दोस्तों, यदि बात करें इनके हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इनका हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट। वहीं दोस्तों, आमिर खान इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं। यदि बात करें इनके जाति के बारे में, तो यह सुन्नी मुस्लिम है। दोस्तों, यदि बात करें आमिर खान के फैमिली मेम्बर्स के बारे में, तो आपको बता दें कि आमिर खान के पिता का नाम स्वर्गीय ताहिर हुसैन था, जो कि एक फिल्म निर्माता थे। वहीं इनकी माता का नाम जिनैद हुसैन है। दोस्तों, यदि बात करें इनके भाइयों और बहनों के बारे में, तो आमिर खान का एक छोटा भाई है जिनका नाम है फैसल खान। वहीं इनके बहनों के बारे में बात करें, तो आमिर खान की दो बहनें हैं, एक का नाम फरहत खान और दूसरी का नाम निकहत खान है। दोस्तों, वहीं बात करें आमिर खान के मैरिटल स्टेटस के बारे में, तो आपको बता दें कि आमिर खान ने दो शादियां की हैं। पहली शादी इन्होंने 18 अप्रैल 1986 को की और दूसरी शादी 28 दिसंबर 2005 को की, जिनमें पहली पत्नी का नाम रीना दत्ता था। दोस्तों, जिनके साथ इन्होंने 2002 में डाइवोर्स ले लिया, और दूसरी पत्नी का नाम किरण राव है, जिसके साथ इन्होंने 2005 में शादी रचाई और फिलहाल यह उनसे भी तलाक लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि बात करें आमिर खान के बच्चों के बारे में, तो इनकी पहली पत्नी से एक बेटा है जिनका नाम है जुनैद खान, और दूसरी पत्नी से एक बेटा है जिनका नाम है आजाद राव खान। वहीं दोस्तों, बात करें इनकी बेटी के बारे में, तो इनकी पहली पत्नी से एक बेटी है जिनका नाम है ईरा खान। वहीं दोस्तों, बात करें आमिर खान के नेटवर्थ के बारे में, तो आमिर खान का नेटवर्थ है करीब 1302 करोड़ रुपया। वहीं दोस्तों, बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में, तो आमिर खान के पास लग्जरियस कार्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है। जो इनकी फेमस कार्स हैं, उनमें से है मर्सिडीज बेंज S600, BMW 6 सीरीज, लैंड रोवर और रोल्स रॉयस घोस्ट फैंटम। दोस्तों, अब बात करते हैं आमिर खान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको भी पता नहीं होगा। आमिर खान फिल्मी जगत की पृष्ठभूमि से आते हैं, क्योंकि उनके पिता एक फिल्म निर्माता थे और उनके चाचा भी एक फिल्म निर्माता थे। उनके परदादा अबुल कलाम आज़ाद एक लोकप्रिय भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, क्योंकि उन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था और महात्मा गांधी के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपने परदादा की याद में अपने छोटे बेटे का नाम आजाद राव खान रखा है। उनके पिता के फिल्म निर्माण में बहुत ही फिल्में फ्लॉप रही, जिसके कारण वित्तीय स्थिति खराब हो गई थी। उन्होंने बताया कि उस समय उधारदाताओं ने एक दिन में 30 से अधिक कॉल किया करते थे, जिसके कारण यह बहुत ही परेशान हुआ करते थे, और वह स्कूल की फीस न दिए जाने के कारण उन्हें हमेशा स्कूल से निकाल दिए जाने का खतरा बना रहता था। आपको बता दें कि आमिर खान बचपन में गुब्बारे और पतंग के बहुत बड़े दीवाने थे। 8 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मी यादों की बारात में एक बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, जिसे बॉलीवुड की पहली मसाला फिल्म माना जाता है। बचपन से ही उनकी रुचि लॉन टेनिस खेलने में थी और उन्होंने कई राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व भी किया है। वह महाराष्ट्र के लिए राज्य टेनिस विजेता भी थे। अपनी फिल्म कयामत से कयामत तक के प्रचार के लिए वह अपने चचेरे भाई और सह कलाकार राज जुत्सी के साथ बॉम्बे में बसों और ऑटो रिक्शों पर फिल्मों के पोस्टर चिपकाने के लिए सड़क पर उतरे। 1990 में उन्होंने इंद्र कुमार के फिल्म दिल में एक्टिंग किया था, जो लगातार 4 फ्लॉप फिल्मों के बाद उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म थी। दोस्तों, आपको बता दें कि 1996 में वह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी के साथ आए, जिसे दर्शकों ने बहुत प्रशंसा मिली। अपनी फिल्म लगान में भुवन के किरदार में ढलने के लिए उन्होंने अपने कान छिदवाए ताकि वह असली में झुमके पहन सके। इसके अलावा लगान में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए फिल्म को ऑस्कर तक नामित किया गया।
दोस्तों आपको बता दें कि अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म पीके में अपने कैरेक्टर के लिए आमिर खान ने करीब 10,000 से अधिक पान खाए थे। साल 2012 में वह एक भारतीय टेलीविजन टॉक शो सत्यमेव जयते के साथ आए, जिसे स्टार प्लस, स्टार वर्ल्ड और दूरदर्शन पर एक साथ प्रसारित किया गया, जो कि 8 भाषाओं में पूरे 3 सीजन उन्होंने पूरे किए। उन्हें 2013 में टाइम्स मैगजीन की सूची में दुनिया के 100 प्रतिभाशाली लोगों की लिस्ट में जगह मिली। दोस्तों आपको बता दें कि कॉफी विद करण में उनकी पत्नी किरण राव ने यह खुलासा किया कि आमिर को नहाने से नफरत है। आमिर की फिल्म दंगल ने अपने विशेष अभिनय कौशल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और दुनिया भर में 2000 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई और वर्ष 2017 में चीन में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म भी बन गई। फिल्म दंगल के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने यह भी बात की खुलासा की कि आमिर खान अपने वर्कआउट सेशन के दौरान खूब गाली गलौज किया करते थे। अभिनय के अलावा वह यूनिसेफ के आधिकारिक राजदूत भी रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आमिर खान एक बहुत बड़े वीडियोग्राफर भी हैं, जैसा कि उन्होंने 2001 में अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के विवाह समारोह की शूटिंग भी की है। आपको बता दें कि आमिर के फैन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। इंटरनेशनल सुपरस्टार जैकी चैन भी उनके काम के बहुत बड़े फैन हैं। तो दोस्तों यह थे आमिर खान के बारे में शॉर्ट लाइफ स्टाइल वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।